पुख्ता करिए, जड़ पुख्ता करिए अपनी, ताकि आपको कोई गिराने वाला पैदा ना हो। बिजनेस कर रहे हो, ऐसा बिजनेस शुरू मत करिए जिसकी जड़ ही ना हो, फुलची फुलची हो, हवा आए और उड़ जाए। नहीं, लाइफ में ऐसी सक्सेस मत पाइए कि कुर्सी पे तो बैठ गए, इज्जत खराब निकली पूरी कुर्सी। आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, अच्छा शिक्षा लेना चाहते हैं, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी एजुकेशन की। हमारी एजुकेशन कितनी पावरफुल है, कौन सा रास्ता अच्छा था जिससे हमने तैयारी की थी, वो मेंटेन करती है आपकी सक्सेस के लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, एजुकेशन, शिक्षा। अगर आपकी शिक्षा बेहतर है तो आप बेहतर बन जाएंगे, शिक्षा बेहतर नहीं है तो आप भी वैसे के वैसे रह जाएंगे जैसे पहले थे, जैसा जन्म लिया था। मैं आपको आज के सेशन में, लाइव सेशन में बताने वाला हूँ What is real way of education? वास्तविक जो रास्ता है education को करने का, तैयार करने का, पढ़ने का, आज के इस motivation session में बताने वाला हूँ। मैं motivation speaker ओमपाल welcome करता हूँ आपका जुनून के साथ, and please एक बार जुनून के साथ तालियां हो जाए। तो चलिए आज का ये मोटिवेशनल सेशन में स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर जो वास्तविक रास्ता आपको मैं समझा रहा हूँ एजुकेशन का, अगर इस तरीके से आपने अपने अंदर शिक्षा ग्रहण कर ली, होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लगे वास्तविक में ये टॉपिक सही था, ये चीज भी सही थी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वास्तव में आपने रियल वे ऑफ एजुकेशन बताया है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रियल वे एजुकेशन। मैं आपको बता दूं, नाइन्थ टू इंटर में इंग्लिश क्लास का बैच देता हूं कोचिंग में, तो वहां पर मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया। उस स्टूडेंट ने डायरेक्टली मुझसे आके पहला सवाल यही किया, सर आप कैसा पढ़ाते? मैं आश्चर्य पड़ गया। मैं उससे कहता अच्छा पढ़ाता हूँ, सारे टीचर बोलते हैं। मैं कहता बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, फिर भी सारे टीचर बोलते हैं। मैं बोलता यार पढ़ाता हूँ, 10 दिन आके देख लीजिए पता चल जाएगा, फिर भी सारे टीचर बोलते हैं। मैंने कहा क्यों ना उसको वास्तविक अर्थ समझाया जाए कि एजुकेशन का सही रास्ता क्या और कैसे पढ़ना चाहिए हमारे लिए, कैसे अपने दिल के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो मैंने उसको बताया, एक कहानी बताई थी जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दूसरों के साथ शेयर करनी है, ताकि आपको समझ में आए तो दूसरों को भी समझ में आए वास्तव में हमें शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए। तो वो कहानी कैसी थी कि एक व्यक्ति था जिसका प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, वो प्लॉट छोड़ के बाहर रहने चला गया। उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने गांव में फोन किया वापस में, और मिस्त्री को फोन करके बोलता है, मिस्त्री गांव के अंदर मेरा ऐसा मकान बना दे जो कि किसी का ना हो, दिखने में सुंदर, बहुत ही बढ़िया मकान हो, कि जो भी उसको एक बार में देखे तो वो आकर्षित हो जाए उसकी तरफ। मिस्त्री का अच्छा ये बात ठीक है मालिक, मैं बना दूंगा। मिस्त्री ने मकान बनाना शुरू कर दिया, और मकान बनाना शुरू करने के बाद उसने मकान पूरा भी कर दिया। पूरा करने के बाद मालिक को फोन किया, बोले मालिक, बोले हाँ, बहुत बढ़िया सुंदर सी बिल्डिंग बना के तैयार कर दी मैंने, बस आप देखने के लिए आ जाइए। अब क्या करता है मालिक, बेसब्र हो जाता है, वो आ जाता है, और आने के बाद में जैसे ही वो गाँव में घुसता और मकान देखता, उसके दीदे उड़ जाते हैं, बोला इतना सुंदर मकान भाई ये किसका है? जब वो जाता है तो देखता है कि खुद का है, और वाह, वो तो बड़ा ही खुश हो जाता है। किससे? उस मिस्त्री से इतना खुश हो जाता है कि उसको दोगुना ज़्यादा पैसे दे देता है। अब तो भाई मिस्त्री के भी बल्ले बल्ले हो गए, मिस्त्री चला जाता है, मकान मालिक आके मकान में रहने लगता है। अब एक दिन मकान मालिक जा रहा होता है कहाँ पर, अपने प्रदेश जहाँ पर वो रहता था। जाते समय वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसी दिन छोटी सी आंधी और बारिश दोनों एक साथ आ गए। अब जब दोनों एक साथ आ गए तो उसकी वजह से उसका मकान पूरा ढह गया, गिर गया, खराब हो गया। अब तो भाई मालिक के दीदी उड़ गए, उसका मकान इतना बेहतर सुंदर बिल्डिंग दिख रही थी, सारे पैसे बर्बाद हो गए। मालिक ने तुरंत मिस्त्री को फोन लगा दिया, बोला मिस्त्री ये क्या हुआ, मैंने तुझसे मकान बनवाया, मकान तो मेरा पूरा ढह गया, कैसा बनाया भाई? तो अब मिस्त्री गए, मालिक मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुमने कहा ठीक है आ जा, अभी आए इसी वक्त। वो गया मालिक के पास, मालिक आपको बताऊं क्या हुआ? बोले हाँ। बोले वो दिन याद करो मालिक, जब आपने मुझसे कहा था कि इतना सुंदर मकान दिखने में हो कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाए। मालिक बताओ बहुत बढ़िया मकान था? बोले हाँ। बोले कोई मुकाबला कर पाया? बोले नहीं। तो फिर मालिक मेरी क्या गलती? बोले फिर गलती किसकी है कि मेरा मकान खराब हो गया? तो बोले मालिक आपकी। बोले क्यों? कि मालिक साहब आपने मुझसे ये तो कहा कि सुंदर सी बिल्डिंग बनानी है, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि पुख्ता भी बनानी है। क्या नहीं कहा? कि पुख्ता भी बनानी है। आपने मुझसे ये नहीं कहा, सिर्फ ये कहा था कि बिल्डिंग सुंदर सी बनानी है, कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाए। अब मालिक के दीदे उड़ जाते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है। क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि ऊपर से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, दूसरों को देख के शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ से जब पढ़ाई नहीं करते हैं तभी वो बीच में टूट जाते हैं।
एक ऐसा बच्चा जो जड़ से पढ़ाई कर रहा है और एक ऐसा बच्चा जो ऊपर से पढ़ाई कर रहा है, दोनों से सवाल की पूछताछ की जाती है, तो एक बच्चा तो सारे सवालों का जवाब दे देता है और एक रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उस बिल्डिंग की तरह सिर्फ सो है पढ़ने की, मेहनत से नहीं पढ़ा वो, उसने स्ट्रक्चर नहीं समझा, जिंदगी नहीं समझी, पढ़ाई की लाइफ लाइन नहीं समझी, लाइफ स्टाइल समझ के क्या है। उस बिल्डिंग की तरह अपनी एजुकेशन को मत बढ़ाइए कि हवा के झोंके से आए और गिर जाए, कोई भी आ जाए आपकी एजुकेशन को सब थाप लगा जाए। ऐसी पढ़ाई मत करिए। अगर करना है कैसी करिए, पुख्ता करिए, जड़ पुख्ता करिए अपनी, ताकि आपको कोई गिराने वाला पैदा ना हो। बिजनेस कर रहे हो, ऐसा बिजनेस शुरू मत करिए जिसकी जड़ ही ना हो, फुलची फुलची हो, हवा आए और उड़ जाए। नहीं, लाइफ में ऐसी सक्सेस मत पाइए कि कुर्सी पे तो बैठ गए, इज्जत खराब निकली, पूरी कुर्सी खराब। ऐसा कुछ मत करिए लाइफ में। या लाइफ में कुछ करना है तो फिर बहुत बड़ा करिए। यही है राइट वे ऑफ एजुकेशन, यानी जड़ से पढ़ाई करिए, जड़ से लेकर के फुंची तक पहुंचिए, जिंदगी सफलता में बदल जाएगी, छुट्टियों के अंदर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी।